हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 6 कर रहे थे, दैट इज ट्रायंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक उसमें का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी दिया था, और इसी के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट, वो सारा क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 और चैप्टर रिविजन और चैप्टर 2 ये खत्म कर चुके, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर रिविजन और चैप्टर 2 उसमें का जितना भी क्वेश्चन है अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। उसको मैंने यूट्यूब चैनल में एज ए प्लेलिस्ट डाल दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है दैट इज एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं। यह आपका क्या होगा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो होता है फिगर, ट्रेपेजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ओनली वन साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, और बाकी वन साइड जो होगा अनपैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसीडी क्या होगा? ट्रेपेजियम। इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? इन विच एबी पैरेलल टू डीसी। एबी जो लाइन है किसके पैरेलल है? डीसी का, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं डायगोनल। अगर ए वर्टेक्स को हम लोग सी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे और बी वर्टेक्स को हम लोग डी वर्टेक्स से ज्वाइन कर दे तो ये जो हुआ, ये जो लाइन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डायगोनल, ठीक है। दैट इज ये बोला बीडी और एसी क्या हो गया? आपका डायगोनल्स हो गया, ठीक है, ये ट्रेपेजियम का। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे फिर क्या बोला? इच अदर एट द पॉइंट ओ, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, ये दोनों जो डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कर रहे एट ओ पॉइंट, ठीक है। सो दैट एओ बाई बीओ, हम लोग को ये शो करना है एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ, सीओ बाई डीओ का रेशियो। ये दोनों रेशियो क्या है? आपस में इक्वल है, ये शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है? एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम। एबीसीडी से ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर एबीसीडी ट्रेपेजियम है, अगर एबीसीडी ट्रेपेजियम है तो यहां पे एबी जो लाइन है किसके पैरेलल है? डीसी का। तो यहां पे लिखेंगे एबी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है ना। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हम लोग को ये प्रूफ करना है दैट इज एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ का रेशियो ये किसके बराबर है? दैट इज सीओ बाई डीओ का, सीओ बाई डीओ का, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करने से पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? आपको एक लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ओ पॉइंट से, ठीक है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ओ पॉइंट से, ठीक है, जो कि साइड बीसी को टच करेगा। इसको मान लीजिए ई, ठीक है। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में दैट इज ड्रॉइंग ए लाइन, ए लाइन फ्रॉम ओ पॉइंट, फ्रॉम ओ पॉइंट, ठीक है ना। एंड वो क्या करेगा? बीसी साइड को कट करेगा, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट साइड बीसी, तो बीसी साइड को क्या किया? टच किया, ठीक है। अब यहां पे या नहीं तो ऐसे लिख सकते हम लोग उसको, ड्रॉइंग ए लाइन
ड्रॉइंग ए लाइन ओई जो कि पैरेलल है किससे, दैट इज डीसी से, ठीक है, पैरेलल टू डीसी, ठीक है, इतना लिखने से हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल लेंगे, दैट इज बी डी सी, ठीक है, इन ट्रेंगल कौन सा लेंगे, बी डी सी, तो इन ट्रेंगल बी डी सी, तो ये ट्रेंगल में बी डी सी ट्रेंगल में यहां पे ओई क्या है, ओई पैरेलल लाइन है किसका, डीसी का, तो यहां पे लिखेंगे ओई इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है, ओई किसके पैरेलल है, डीसी का। तो यहां पे क्या करेंगे आप, अभी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था, कि अगर एक ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल हम लोग लिए ना, अगर एक ट्रेंगल में कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड साइड का पैरेलल रहे, तो वो क्या करेगा, वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज ओबी बाई या बीओ बाई ओडी, ये जो रेशियो दैट इज बीओ बाई ओडी, ये किसके बराबर होगा, बी बाई ईसी, तो यहां पर लिखिए दैट इज बी बाई ईसी, ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे और एक चीज लिखना था, यहां पे आप लोग लिख लेना, दैट इज बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बाय बेसिस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं बीओ बाई ओडी इज इक्वल टू बी बाई ईसी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ट्रेंगल उठाते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग दूसरा ट्रेंगल कौन सा लेंगे, दैट इज ए बी सी, ठीक है, तो इन ट्रेंगल ए बी सी, तो ये ट्रेंगल में क्या करेंगे हम लोग, यहां पे अगर ट्रेंगल को देखो आप लोग ए बी सी, तो ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, ए बी का, तो ओई किसके लिखेंगे, ओई पैरेलल टू दैट इज ए बी, ठीक है, ओई पैरेलल टू ए बी। तो अगर यहां पे ओई पैरेलल है ए बी का, तो दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ओई क्या करेगा, ये ट्रेंगल को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ये साइड को और ये साइड को, ठीक है, तो लिखेंगे एओ बाई ओ सी, एओ बाई बेसिक लगा देते यहां पे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी ये किसके बराबर होगा, दैट इज बी बाई ईसी का, बी बाई ईसी का, ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन टू, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखिए, यहां पे इक्वेशन वन का राइट साइड और इक्वेशन वन का राइट साइड और इक्वेशन टू का राइट साइड, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो अगर दोनों आपस में बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो इक्वेशन वन और टू से क्या मिलता है हम लोग को, दैट इज बीओ बाई ओडी, बीओ बाई ओडी इज इक्वल टू व्हाट, एओ बाई ओसी, एओ बाई ओसी, ठीक है, हेंस प्रूफ। यही हम लोग को क्या करना था, ये लेके आना था, दैट इज, और एक बात यहां पे इसका जैसे लेके आना आप लोग को, तो आप लोग क्या करो इसको, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहां पे जब क्रॉस करेंगे तो यहां पे क्या होगा, दैट इज ओसी इस साइड चला जाएगा, ठीक है, ओसी जो है इस साइड चला जाएगा और बीओ इस साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज ओसी बाई ओडी इज इक्वल टू एओ बाई बीओ, ठीक है, जो कि इसका जैसा आ गया, ठीक है। देखिए एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ और यहां पे सीओ बाई डीओ, सीओ बाई डीओ, या आप लोग ओसी बाई ओडी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद
करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ। एक सपोज क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, ठीक है, ये सपोज क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, ए बी सी और ए डी। अब यहां पे क्या बोला गया है, जो इसका डायगोनल है जैसे बी डी, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे एक ओ पॉइंट, हम लोग को ये बोला गया, ठीक है। अभी फिलहाल ये बोला गया है कि एबीसीडी क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल और इसका जो डायगोनल से आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है एक ओ पॉइंट, ठीक है। अब इसमें बोला गया सच दे एओ बाई डी ओ। अब ये भी दिया गया आपको दैट इज एओ बाई डी ओ जो है एओ बाई डी ओ वो किसके, ये जो रेशियो है एओ एओ बाई डी ओ का रेशियो ये किसके बराबर है सीओ बाई डी ओ का, ठीक है, दैट इज सीओ बाई डी ओ का, ठीक है। अब हम लोग को क्या शो करना है, अगर ये आपको कंडीशन दिया है, ठीक है, और इनका जो डायगोनल से ये क्वाड्रिलेटरल का इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, तो आप लोग ये शो कीजिए कि ये जो एबीसीडी है ये एक टाइप का ट्रेपेजियम है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन गिवन एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और यहां पे क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है सच देट दैट इज एओ बाई डी ओ इज इक्वल टू क्या दिया है सीओ बाई डी ओ। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब सीओ को इस साइड लिख सकते हैं बीओ को इस साइड, है ना, तो क्या लिख सकते हैं एओ बाई सीओ इज इक्वल टू वॉट बीओ बाई टी ओ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। हमें याद रखिएगा क्या शो करना है कि ये जो एबीसीडी है ये ट्रेपेजियम है। अब ये ट्रेपेजियम कैसे होगा, जब एक साइड क्या होगा पैरेलल होगा, बिकॉज ट्रेपेजियम का रूल होता है कि अगर कोई भी एक साइड पैरेलल होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो अगर ये साइड पैरेलल प्रूफ कर दूं मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो गिवन था दैट इज एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल वो लिख लिए, और ये कंडीशन गिवन था इसको लिख लिए। फिर मैंने क्या किया, इसको यहां पे शिफ्ट कर दे, इसको यहां पे, इसको मान लिया इक्वेशन वन, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, और यहां पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे किए थे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, दैट इज हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज ओई, जो कि पैरेलल होगा किससे, दैट इज ओसी का, ठीक है। तो ड्रॉइंग ए लाइन पैरेलल है किसका आपका डीसी का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ड्रॉइंग ए लाइन ओई पैरेलल टू किसका, दैट इज डीसी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल उठाएंगे दैट इज इन ट्रेंगल बी डी सी, ठीक है। तो इन ट्रेंगल बी डी सी, तो ये ट्रेंगल में देखिए ध्यान से, अगर आप लोग बी डी सी में यहां पे ओई किसके पैरेलल है डीसी का, तो लिखेंगे ओई पैरेलल टू डीसी। तो अगर ओई पैरेलल है आपका, अगर ओई पैरेलल है डीसी का, तो दैट मीन्स ये ओई क्या करेगा, ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे दैट इज बीओ बाई ओडी बाई बेसिक, पहले लिख देते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन राइट, इसको यहां पे लिखते हैं, वी कैन राइट दैट इज बीओ बाई ओडी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वी कैन राइट बी बाई ईसी, ठीक है ना, ये आपका हो गया। लेकिन यहां पे अगर आपको देखा जाए दैट इज यहां पे बीओ बाई ओडी ये जो है
यहाँ पे किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन वन व्हाट वी कैन राइट दैट इज बीओ बाय जो डीओ है, बीओ बाय या डीओ भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है डीओ। अब ये जो बीओ बाय डीओ है ये किसके इक्वल है, एओ बाय ओसी का, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ बीओ बाय डीओ वी कैन राइट एओ बाय सीओ, ठीक है एओ बाय सीओ, ठीक है इक्वल टू ये वाला सेम बी बाय ईसी, इसको लिख देना आप लोग फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने आप लोग को ट्रेंगल बी डी सी मैंने यहाँ पे लिया बी डी सी, तो यहाँ पे ओई जो था ये किसके पैरेलल था डीसी का, तो ओई पैरेलल टू डीसी लिखा, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हम लोग बीओ बाय दैट इज डीओ, बीओ बाय डीओ इज इक्वल टू व्हाट बी बाय ईसी, बी बाय ईसी, ठीक है। और यहाँ पे अब बीओ बाय डीओ ये किसके इक्वल है, एओ बाय सीओ का, बीओ बाय डीओ किसके इक्वल एओ बाय सीओ का, ये इक्वेशन वन मैंने दिया था जो कि हम लोगों को गिवन था, तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देखो एओ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं लोग, लेट इज यहां पे देखिए एओ बाय सीओ, एओ बाय सीओ इज इक्वल टू क्या है बी बाई ईसी, बी बाई ईसी। तो मैंने आप लोगों को समझाया था आगे अगर दो साइड का रेशियो अगर आपस में बराबर होता है तो इसका मतलब क्या, दैट इज ये लाइन किसके पैरेलल होगा एबी का, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट ओई इज पैरेलल टू, ओई इज पैरेलल टू ए, ठीक है ये कैसा है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब यहाँ पे तो देयरफॉर वी कैन राइट यहाँ पे देखिए ओई जो है पैरेलल है एबी का, और यहाँ पे क्या था ओई इज पैरेलल टू डीसी, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एबी जो है ओई का पैरेलल है और ओई किसके पैरेलल है डीसी का, एबी जो है किसके पैरेलल है, एबी किसके पैरेलल ओई का, और ओई किसके पैरेलल है डीसी का, ठीक है। तो अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है तो दैट मीन्स क्या होगा, अगर एबी पैरेलल है ओई का और ओई पैरेलल है डीसी का तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एबी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट इज एबी इज पैरेलल टू, एबी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है। तो देयरफॉर अगर एबी पैरेलल है डीसी का तो दैट मीन्स मैंने क्या बोला था, अगर दो साइड पैरेलल आ जाता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो होगा आपका ट्रेपेजियम, देयरफॉर देयरफॉर एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां से हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिए, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा एग्जाम्पल क्वेश्चन बिफोर एक्सरसाइज 6.3 जो कि है एग्जाम्पल दैट इज 4 एंड 5, ठीक है। तो आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।